Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. और आज हम पढ़ेंगे magnetic field due to a moving charge. जब कोई चार्ज मूव करता है तो कितना magnetic field generate करेगा उसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं बायोट श्वार्ट लॉ क्या कहता है. तो बायोट श्वार्ट लॉ इज मैग्नेटिक फील्ड B is mu naught I mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r cube. ये किसी भी करंट एलिमेंट जो dl का करंट एलिमेंट लेते हैं उसकी वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB आता है उसके बारे में बायोट श्वार्ट लॉ हमें बताता है. तो अब करंट एलिमेंट ना होके सपोज करो इस पाथ पे एक चार्ज पार्टिकल q ऐसे यहाँ से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी है v, स्पीड कितनी है v, और इसकी वजह से अभी जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और मान लेते हैं मैं यहाँ से ये r वेक्टर ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को उठाते हैं जो इसमें करंट है उसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके यहाँ पे रखते हैं इस पर. ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो डीएल है इसमें मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ. ये छोटा सा सेक्शन है, सपोज ये मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, ये डीएल लेंथ का है. ठीक है, अब और इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा डीटी, चार्ज को कितना टाइम लगा डीटी. तो वी को मैं क्या लिख लूंगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डीएल और टाइम लगा dt, तो v हो गया dl अपॉन dt. v वेक्टर इज dl वेक्टर अपॉन dt, तो यहां से हमें dl वेक्टर मिल जाएगा कितना, v वेक्टर इंटू dt. तो एक चीज तो dl वेक्टर तो मिल गया. i व्हाट इज i, i देखो i बोले तो करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब ये मान लो ये आपने जो क्रॉस सेक्शन लिया है, एलिमेंट लिया है, ये पाथ का जो एलिमेंट लिया है, इसमें कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, क्यू चार्ज पास हो रहा है डीटी टाइम में. तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास होगा, क्यू अपॉन डीटी. भाई करंट यही तो होती है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम. तो हमारा डीएल लेंथ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज कितने टाइम में, डीटी टाइम में. तो पर यूनिट टाइम में कितना होगा, क्यू अपॉन डीटी. तो ये करंट मिल गया, इन दोनों वैल्यू को यहां रख दो आप, तो यहां से आपको इसकी वजह से dB मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इज क्यू अपॉन डी टी एंड डीएल इज वी वेक्टर इंटू डी टी क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो यहां से dt से dt कैंसिल और फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया इस चार्ज की वजह से. जब चार्ज मूव करता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V cross R divided by R cube. बहुत important formula है और आप इसे याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा जाएगा इसकी वजह से. किसी भी small कोई भी particle है, charge particle, उसकी वजह से magnetic field कितना होगा, तो आपको ये formula याद होना जरूरी है. ठीक है, जैसे एक अगर अपन क्वेश्चन करें कि लेट से ये एक सर्कुलर पाथ है और यहां पर चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये चार्ज पार्टिकल स्पीड वी से इसके सर्किल में घूम रहा है, सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है. पूछा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से, तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 बाय क्यू V क्रॉस R, V इधर है और चार्ज से ही हम R वेक्टर लेंगे. R वेक्टर हमेशा कहां से लिया जाएगा, चार्ज से. तो ये R वेक्टर हो जाएगा जिसके लिए मैग्नीट्यूड R होगा और V इधर है, तो V क्रॉस R, V इधर R इधर, V क्रॉस R किधर आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ. ठीक है, तो V क्रॉस R, V R साइन 90 डिवाइडेड बाय R क्यूब. तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V R
अपॉन आर क्यूब, तो क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हमने सीख लिया, दो तरीके से सीखा, एक तो बायोट स्वार्ट लॉ से और दूसरा हमने सीखा एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। बायोट स्वार्ट लॉ कहता है कि डीबी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, और एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो इन दोनों से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ये कुछ कुछ रिजेंबल करेंगे आपके, ये वाला हो जाएगा कूलम्स लॉ के जैसा और ये वाला कुछ ना कुछ गॉस लॉ के जैसा। लॉ है और दोनों हर जगह वैलिड है। तो हमने इनको पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सो नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो चार्ज मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर प्लेन के अंदर। ठीक है, और अगर डॉट लगाता मतलब प्लेन के बाहर। तो इस प्रकार से कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर कोई चार्ज है, यहां से कोई चार्ज एंटर हुआ, लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू वेलोसिटी वी से एंटर हुआ, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा है, क्यू वी क्रॉस बी, बस यही फोर्स लगता है चार्ज पे। फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। ये सारे प्रैक्टिकल एनालिसिस करके निकाले गए हैं ये सारे फोर्सेस। अब कुछ कुछ हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये ऐसा फोर्स ही क्यों आया। तो जब देखा गया, जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर हो रहा था, तो दो चीजें देखी गई। फर्स्ट जो चीज देखी गई वो ये थी कि स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। चार्ज की जो स्पीड थी वो क्या थी, हमेशा कांस्टेंट थी। और स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं था चार्ज की। ये देखे गए सारे, ये प्रैक्टिकल करके देखे गए, तो देखा गया कि पहली बार चार्ज जब इसमें मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, वेलोसिटी नहीं, क्या कांस्टेंट थी, स्पीड। स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। और ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है, वर्क डन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तभी उसका वर्क डन जीरो होगा और स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज ये भी देखी गई कि फोर्स इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. तो ये दो अजम्पशन, ये दो एनालिसिस किए गए कि एक तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और दूसरा फोर्स ये भी देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है. अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आता तो ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता, लेकिन ऐसा गया नहीं. ठीक है, तो इसका पाथ कैसा हुआ? तो इसका पाथ कुछ ऐसा हुआ कि इसने अंदर जाके क्या बनाया, सर्किल बनाया. ऐसा क्या बनाया, एक सर्किल बनाया और वो बाहर आ गया. अब सर्किल बनाया इसी प्लेन में, वो अंदर नहीं गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हरगिज नहीं है, मतलब उसके परपेंडिकुलर है. दूसरी बात, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहां पर वी है, यहां पर भी इसकी स्पीड वी है, यहां पर भी वी है. हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है. तब ये देखा गया कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें v क्रॉस b का, तो हमें पता है v क्रॉस b का जो ये वेक्टर होगा v क्रॉस b, v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा. और फिर और ज्यादा एनालिसिस करके हमने देखा कि चार्ज भी उसमें, आप चार से भी मल्टीप्लाई करें, देन यू विल फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. तो यहां पर फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी, आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वी क्रॉस बी, या वी की तरफ उंगलियां रखें और बी की तरफ घुमाएं, तो फोर्स अभी इधर लग रहा है, फिर जब यहां पहुंचेंगे तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, वी क्रॉस बी फोर्स इधर लगेगा, फिर इधर लगेगा और फिर इधर लगेगा, मतलब ये सर्किल बना के यहां से बाहर निकल जाएगा. तो एक चीज ध्यान रखना, क्यू इज विद साइन आपको पुट करना है, क्यू विद साइन. अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इसमें एंटर करता तो V क्रॉस B, V ऊपर B अंदर, V क्रॉस B इधर आता, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव के साथ पुट करते हैं तो फोर्स इधर लगता है इस पर, और ये चार्ज उल्टी डायरेक्शन में सर्किल बना के ऐसे बाहर निकलता. तो यहां से हमने ये समझा कि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, तो अब वो किस प्रकार से सर्किल ड्रॉ करेगा, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, कितना टाइम लगेगा अंदर, ये सारी चीजें अब प्रैक्टिकल क्या रही, ये सब अब हम क्वेश्चंस में डील करेंगे. बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इस पे और बहुत ही आसान चैप्टर है ये. जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ओके, और अब इसमें एक चार्ज हम एंटर करवाएंगे, जिससे सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां से एंटर करवाता हूं. लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इसकी वेलोसिटी है वी, और देखा गया कि ये पार्टिकल अंदर जाएगा और इस प्रकार से एक सर्कुलर आर्क बना के यहाँ से बाहर आ जाएगा. तो हमें ये पूछा जाएगा कि इस आर्क की रेडियस कितनी होगी. ठीक है, तो इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी क्रॉस बी. अब यहां पर हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन हमने देख लिया, वी इधर बी अंदर, तो डायरेक्शन इधर होगी, और जब वो यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और जब वो यहां से बाहर निकलेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी. तो ये आपका सेंटर मिल गया आपको. सो फोर्स इज एफ इज क्यू वी बी साइन 90, तो फोर्स हो गया आपके पास क्यू वी वी. अब ये वो फोर्स है जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स
क्यू वी बी शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन जो सर्किल की रेडियस है आर। तो यहां से आप आर देख सकते हैं कितना होगा, आर विल बी इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए कि रेडियस कितनी होगी उसकी पाथ की, एम वी अपॉन क्यू बी। और ये वेलोसिटी वी कौन सी है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और भी देख सकते हैं हम, जैसे अगर मान लो कंप्लीट सर्किल बना रहा हो, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड हो यहां पे इस प्रकार से, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हो कंप्लीट अंदर की तरफ, और उसकी वैल्यू हो बी, इसकी वैल्यू है बी। और अब मैंने यहां पर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये, उसको इधर वेलोसिटी दिया वी, तो क्यू वी क्रॉस बी, क्यू पॉजिटिव रख के आप देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका पाथ ऐसा होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी यहां होगी तो फोर्स इधर लगेगा, और जब वेलोसिटी इधर होगी तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर इसकी रेडियस निकालनी हो, सेम रेडियस आएगी, फोर्स इज क्यू वी बी और ये फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस विल बी एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी इज मोमेंटम, सिंपल दिस इज रेडियस। अब कोई पूछे कि इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, या फिर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड टी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज टू पाई आर और इसकी स्पीड है वी, वो कॉन्स्टेंट रहती है, मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता। आर हमने अभी देखा एम वी अपॉन क्यू बी, तो टू पाई एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन दिस वी, वी से वी कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और ध्यान रखना ये टाइम पीरियड देख सकते हो आप, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, ओनली मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। स्पीड आप कितनी दे दे, ज्यादा स्पीड दे दे, कम स्पीड दे दे, ये टाइम फिक्स ही लेगा, टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर इसमें पूछ ले कि आपने चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करवाया और वो चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे आया बाहर, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम अब कितना लगेगा उसको अंदर, अब डिस्टेंस अंदर पाई आर अपॉन वी, तो पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, कंप्लीट सर्कल बना रहा है तो टू पाई एम अपॉन क्यू बी। अब यहां से फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेगा, ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, टू पाई बाई टी, तो वो हो जाएगी आपकी क्यू बी बाई एम, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी एफ पूछ ले तो क्यू बी अपॉन टू पाई एम, एफ इज वन बाई टी। तो ये सारी चीजें सिंपल एक फोर्स से आप सब डिराइव कर सकते हैं, फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। अब जैसे कई बार कंप्लीट फील्ड नहीं होता, आधा अधूरा फील्ड होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो किस प्रकार से डिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है वो देखते हैं। तो आपके सामने ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके सामने और अंदर की तरफ है, और ये जो बार लाइन बनाई है इसके सिर्फ अंदर अंदर यहाँ थी, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक ये सर्टेन रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, लेट से ये चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q, और मास है उसका M, और
वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, और ये जो इसकी थिकनेस है ये t, ये आपको दिया हुआ है कि t इज लेस देन mv अपॉन qb, और अब लेस देन mv अपॉन qb, अगर t mv अपॉन qb के बराबर होती तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे सर्कल बनाता हुआ ऐसे चला जाता, और ये सर्कल की रेडियस बनती पूरी t के बराबर, क्योंकि रेडियस mv अपॉन qb होती है। अब इसकी थिकनेस रेडियस से भी कम है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करेगा सीधा, और फिर यहां से एक सर्कुलर आर्क बनाएगा कुछ ऐसा, और फिर यहां से ऐसे, अब सर्किल तो आगे बन नहीं सकता, उसकी वेलोसिटी इधर है, तो वो यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ना डेविएट हुआ, तो ओरिजिनल पाथ उसका ये था, वो इधर जा रहा था और चला गया इधर, इसका मतलब अगर मैं यहां से ये पैरेलल लाइन खींच दूं, ये तो ये डायरेक्शन तो उसकी ओरिजिनल पाथ की थी, ये एंगल थीटा हमें पूछा है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इधर जाना चाहता था पर अब वो इधर डेविएट हो गया है कुछ ऐसे। तो अब कैसे निकालें एंगल ऑफ डेविएशन, तो ध्यान रखना आपको पता है कि ये जो पाथ है ये पाथ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ है तो मतलब इसका एक सेंटर होना चाहिए, अब हमें बस वो सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से जब एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स हमेशा सेंटर से पास होगा, तो यहां से जब एंटर करेगा तो फोर्स इस पे इधर लगेगा इस डायरेक्शन, ठीक है, इसका मतलब आपका जो सेंटर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा यहां पे, ठीक है। और जब वो यहां से पास कर रहा था, इसको पास कर रहा था, इसकी वेलोसिटी इधर थी, उसका आप परपेंडिकुलर ले लो, उधर फोर्स लगेगा, तो इसका परपेंडिकुलर लेट से ये रहा, तो ये एंगल 90 है, तो ये आपका मिल गया सेंटर, इसका सेंटर, इस सर्कुलर आर्क का सेंटर। अब रेडियस ये हो गई, रेडियस हमको पता है कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू वी, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, हम देखते हैं अगर मैं यहां से ये इसको कंसीडर करूं तो ये लेंथ है टी के बराबर, ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा थीटा, और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इज टी, हाइपोटेन्यूस इज आर, आर कितनी है, ये वाली आर, एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी क्यू बी अपॉन एम वी, यही थीटा पूछा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अगर यहां पे t ग्रेटर देन और इक्वल टू होती मैग्नेटिक r के mv अपॉन qb के, तो ये परफेक्ट एक सेमी सर्कल बनाता और इधर वापस चला जाता। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसमें जैसे कि मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इसी रीजन में जिसमें मैं बना रहा हूं, इस प्रकार से,
और ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, सिर्फ इसके इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है। और एक चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू, मास एम, और आने की स्पीड है वी। तो अब वो इसमें आपसे पूछेगा कि टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया, और उसके साथ ही आपको एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। सो स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब देखिए, इस चार्ज पार्टिकल पहली बात फोर्स किधर लगेगा, V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब सेंटर कुछ इधर होगा। अब V क्रॉस B इधर फोर्स लगेगा मतलब सेंटर इधर होगा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करने के बाद इस प्रकार से एक सर्कुलर आर्क बनाएगा, और आर्क बनाने के बाद इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो यहां से क्या करेगा, वो सीधा चला जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि इसका सर्किल किधर होगा। तो यहां पर वेलोसिटी इसकी इधर थी, है ना, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब ये मिल गया आपको सेंटर ऑफ दिस आर्क। अब ये एंगल आपको दिया हुआ है 30, तो ये भी कितना होगा 30, ये हो जाएगा 90 माइनस 30, दिस एंगल विल बी 90 माइनस 30। आपको बेसिकली ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल होगा कितना, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री, तो ये 60 है, ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। और उसकी स्पीड तो हमें पता है कि v रहती है हमेशा, तो ये एंगल है 120 डिग्री, तो हम जानते हैं कि थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, और थीटा हमने देखा कितना 120 डिग्री, मतलब अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 120 कितना हो जाता है 2π/3, तो थीटा इज 2π/3 एंड आर्क लेंथ हमें मिल जाएगी अपॉन रेडियस, रेडियस हम जानते हैं mv अपॉन qb, तो यहां से आपको आर्क की लेंथ मिल गई एम वी अपॉन क्यू बी इंटू 2π/3, ये आर्क मिल गया आपको। और आप देख सकते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आप ये आर्क की लेंथ होगी और टाइम क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड इज वी, सो टाइम हो जाएगा एम वी 2π/3qb/v, तो 2πm/3qb। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्पीड पे टाइम कभी डिपेंड नहीं करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। अगर इसमें ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये मान लो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होता और ये नेगेटिव होता, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर घूमता और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलता, तो सेंटर अंदर आता और फिर आप ये टोटल एंगल निकाल लेते और उससे आपको मिल जाता कि टाइम कितना स्पेंड करेगा इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। सो दिस इज थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट,
एक्स वाई जेड, और इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी वी वेक्टर इज वी नॉट आई कैप। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज बी नॉट आई कैप, सॉरी वेलोसिटी इज वी नॉट जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड डी इज बी नॉट आई कैप। पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। तो टाइम टी पे आपको पोजिशन निकालनी है पार्टिकल की, तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऐसा, हर जगह इस प्रकार से इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे, यहां पे जीरो जीरो पे, और वेलोसिटी किधर है, वी नॉट जे कैप ऊपर की तरफ है ना। तो अब आप देखें कि वी क्रॉस बी किधर आएगा, V ऊपर B इधर, तो V क्रॉस B अगर आप इधर से उंगलियां इधर घुमाते हैं राइट हैंड की, तो थंब अंदर की तरफ आएगा, मतलब नेगेटिव Z डायरेक्शन में थंब आएगा, मतलब फोर्स किधर लगेगा उस पर, अंदर की तरफ, मतलब अगर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इस पर लगेगा इधर, है ना। तो यहां का ही मान लो इसका सेंटर होगा, तो फोर्स इधर लगेगा तो वो एक सर्कुलर आर्क बनाएगा, सर्कुलर पूरा पूरा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो कंप्लीट सर्कल बनाएगा। कौन से प्लेन में सर्कल बनाएगा, वो इस वाई और जेड प्लेन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में और इधर नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स जो लगेगा वो एक्स के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में। तो यहां से वो कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा, इस प्लेन में, इस जेड वाले प्लेन में अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर थोड़ा इसको ढंग से बनाए अपन, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा इस प्लेन में, ये सर्कुलर पाथ होगा उसका, और ये सर्किल का सेंटर होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, किसी टाइम टी पे मान लो यहाँ यहाँ चला गया चार्ज पार्टिकल घूमता घूमता, तो उसने ये एंगल बना लिया यहाँ से सेंटर से, ये एंगल बना लिया उसने थीटा, ठीक है। और थीटा थीटा किसके बराबर होगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, और ओमेगा हमको पता है कितना होता है, क्यू बी बाय एम, ओमेगा इज क्यू बी बाय एम, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम इनटू टी। अब आप देख सकते हैं ये रेडियस है उसकी आर, सर्कल की रेडियस आर, आर इज एम वी अपॉन क्यू बी। तो आप इस पोजीशन को आराम से लिख सकते हैं कि एक्स में कितना है, एक्स में अभी भी वो जीरो पे है, और वाई में कितना होगा और जेड में कितना होगा। सो एक्स में तो जीरो है, और जेड में हो जाएगा ये माइनस जेड की तरफ अंदर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये है टोटल आर, ये आर, ये एंगल थीटा, तो दिस विल बी आर कॉस थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। सो आर माइनस आर कॉस थीटा ये होगी उसकी किधर, माइनस के कैप में, और थीटा क्यू बी टी बाय एम है, और आर एम वी अपॉन क्यू बी है। और अगर आप
आर साइन थीटा लेंगे तो आपको ये हाइट मिल जाएगी, ये थीटा है, ये आर है, तो ये आर क्रॉस थीटा, ये हाइट आपको आर साइन थीटा से मिल जाएगी, मतलब वाई एक्सिस पे, मतलब प्लस आर साइन थीटा जे कैप में और जीरो आई कैप। तो ये पोजिशन होगी उसकी किसी भी टाइम टी पे। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको उसको वेलोसिटी भी मिल जाएगी टी टाइम पे, स्पीड वैसे भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत आसान रहता है, मैं भी वैसे करता हूँ कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है तो वो क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट कर देते हैं, पूरे सिस्टम को, एक्स को अंदर ले आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वापस ऐसा ही बना देते हैं जैसा हम जनरली पढ़ाई करते हैं। तो ये अंदर की डायरेक्शन को वो एक्स मान लेते हैं और ऊपर वाई हो जाएगा और इस डायरेक्शन को हो जाएगा तब जेड, है ना, ऊपर वाई इधर जेड और अंदर क्या हो गया, अंदर एक्स हो गया। अब वेलोसिटी उसने वी इधर दी है तो अब वो सर्किल ऐसा बना लेगा, ऐसा बना लेगा, किसी टाइम टी पे यहाँ पहुँचेगा तो ये एंगल हो गया थीटा, ये आर, ये लेंथ हो गई आर कॉस थीटा और ये वाली हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो जेड में पीछे हो गया तो माइनस के कैप, वाई में ऊपर हो गया आर साइन थीटा और ये अभी इसी प्लेन में है, इस प्लेन में यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स अंदर की तरफ है। तो वैसे करेंगे तो और ज़्यादा आसान रहेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में उस मैग्नेटिक फील्ड को घुमा के आप प्लेन के अंदर कर दो, उस हिसाब से पूरे एक्सेस घुमा दो, तो उससे ज़्यादा आसान रहेगा ये। अच्छा, और इस पे कुछ अच्छा क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं। चलिए, अब क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड का जो ये फोर्स आता है, बड़ा ही अजीब सा फोर्स है, इसका कहीं यूज कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसका आराम से यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपने एक, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया और क्यों लगाया वो भी देखेंगे हम अभी। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से एक बीम आ रही है इस प्रकार से, चार्ज पार्टिकल्स की बीम आ रही है, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं इधर। अब इस चार्ज पार्टिकल में तीन तरीके के चार्ज हैं, एक तो है प्रोटॉन, प्रोटॉन है इसमें, मतलब आप कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल, चलिए प्रोटॉन ले लेते हैं, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है और तीनों मिक्स्ड हो गए हैं, हमने जब जनरेट किए तो तीनों मिक्स हो गए। अब इनको तीनों को सेपरेट करना है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों की वेलोसिटी वी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट कर पाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रोटॉन को, प्रोटॉन का क्या होगा? तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई के बराबर होता है और मास हमको पता है, प्रोटॉन का मास मान लेते हैं, प्रोटॉन का मास एम है, तो एम वी अपॉन क्यू बी देखे हैं, फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी और फोर्स इस पे इधर लगेगा, मतलब ये सर्किल कुछ ऐसा बना के यहाँ से ये प्रोटॉन तो बाहर आ जाएगा, बाकियों का क्या होगा? ये प्रोटॉन आ गया। अल्फा पार्टिकल को देखें, अल्फा हमें पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो उस पे मास 2He4 मतलब 4m के बराबर होता है उस पे मास, उस पे भी फोर्स चार्ज देखें उस पे, तो फोर्स ऑन अल्फा, अल्फा पे चार्ज होगा आपका 2e, दो प्रोटॉन होते हैं तो 2e इंटू वी क्रॉस पी, तो उस पर फोर्स ये लगेगा। अगर उसकी रेडियस देखें सर्किल की अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए रेडियस आएगी m, m इज 4m, अगर मैं एक प्रोटॉन को मास m ले लूँ तो 4m, mv अपॉन qb, q होता है उसका 2e,
और इसकी अगर रेडियस आर ये देखें तो ये रेडियस कितनी होगी प्रोटॉन के लिए, तो एम वी अपॉन क्यू इज ई बी। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया टू एम वी अपॉन ई बी, एम वी अपॉन ई बी इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब अल्फा की जो रेडियस होगी वो प्रोटॉन की डबल होगी। इसका बोले तो अल्फा इस रेडियस से डबल, मतलब उसका सेंटर यहाँ होगा और अल्फा कुछ यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अल्फा और प्रोटॉन दोनों सेपरेट हो गए, यहाँ पर आप प्रोटॉन पकड़ लेंगे, यहाँ पर आप अल्फा पकड़ लेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा चार्ज माइनस ई वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी तो इधर है लेकिन आगे माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी सेपरेट हो गया। तो किसी भी बीम में से अगर आपको चार्ज पार्टिकल सेपरेट करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी यूजफुल, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होती है वो चार्ज पे और मास पे डिपेंड करती है। तो अगर मास अलग अलग है तो सेपरेट हो जाएंगे, मास सेम है और चार्ज अलग है तो भी वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो अब हमारे सामने बचा है हेलिकल पाथ, वो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए।